नमस्कार जी, तनेजा फूड व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, बिगर गैस जलाए, बिगर चाशनी बनाए। ये हमने एक कटोरी नारियल लिया है, नारियल का बुरादा है ये, आधा कटोरी और लेंगे। ये कुल मिला के डेढ़ कटोरी नारियल का बुरादा है ये। ये तीन चौथाई कटोरी है मिल्क पाउडर, ये भी इसमें डाल देंगे। ये हमने चौथाई कटोरी चीनी का बुरादा लिया है, और ये चार चम्मच हमने मलाई ली थी, दो चम्मच दूध मिक्स किया है इसमें। अब इसको पहले मिक्स करेंगे इसमें चीनी में मिला के, उससे फिर डो बनाएंगे हम। ये देखिए, चीनी का बुरादा हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब इसे डो बनाएंगे। ये एक चम्मच इलायची का पाउडर लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये चीनी का मिक्सर डाल डाल के इसका डो बनाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा डाल के बनाएं, एकदम से ज़्यादा डालने से वो गीला भी हो सकता है। ये देखिए, हमारा डो बन चुका है, इसमें दो तीन चम्मच ये बच गया है मिक्सर। तो अच्छे से डो बन गया हमारा, दो चार बार इस तरीके से करें, ये मिक्सचर जो है हल्का हो जाए हमारा, बाइंडिंग आ जाएगी इसमें, फुलावट आ जाएगी, अंदर से एकदम जाली जाली दिखेगी इसमें। ये देखिए, इसमें थोड़ा सी मिक्सर हम अलग करेंगे, स्टफिंग करेंगे अंदर इसके लड्डू के। ये थोड़ा सी हमने डो ले लिया है, उसमें फूड कलर डालेंगे हम। देखिए, हमने कलर मिला दिया अच्छे से इसमें। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये पिस्ता है, काजू है, और ये बादाम है, और इलायची पाउडर है, इन सबको इसमें मिला देंगे, इसमें डो में मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया हम इसमें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से गोलियां बनाएंगे, छोटी छोटी सारी गोलियां बना लेंगे अब हम। अब इसके लड्डू बना लेते हैं हम। लड्डू बना के चपटा करेंगे थोड़ा, इस तरह से स्टफिंग करेंगे इसमें। इसको वापस बंद कर देंगे ऊपर से, अच्छे से पैक करके। देखिए, नारियल के बुरादे से गार्निश करेंगे हम। ये देखिए, देखिए हमारा मोदक बन चुका है। लड्डू के साथ साथ मोदक भी बना सकते हैं इसे। ये थोड़ा सा हमने केसर लिया था, एक चम्मच गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, इससे हम गार्निश करेंगे अभी। देखिए, आप इस तरीके से मोदक बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गणपति जी स्पेशल, गणपति जी का उत्सव आ रहा है इसलिए बनाए हैं हमने। ये देखिए हमारी स्टफिंग, देखिए कैसे आई। ये देखिए, वाह, गजब।